दोस्तों अमेरिका की वियतनाम वॉर में एक फाइटर पायलट थे जिनका नाम था कैप्टन चार्ली प्लंब। उस समय वियतनाम वॉर में किटी हॉक नामक एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिस पर कैप्टन चार्ली प्लंब फाइटर पायलट थे और बड़े फेमस फाइटर पायलट थे। ही वॉज कंसिडर्ड अ हीरो बिकॉज ही हैड फ्लोन 74 सक्सेसफुल मिशंस। 75वें मिशन पर अब वो जा रहे थे और ऑन द 75th मिशन हिज प्लेन वॉज शॉट डाउन ऑन एनिमी टेरिटरी इन वियतनाम। इनका पैराशूट ओपन हुआ और ये एनिमी टेरिटरी में लैंड हुए। पैराशूट सही से ओपन हुआ, एनिमी टेरिटरी में लैंड हुए जहां फिर अगले 6 साल ये प्रिजनर ऑफ वॉर रहे। उसके बाद इनकी रिलीज हुई, ये वापस अमेरिका आए। काफी सालों बाद ये कैंसस सिटी में एक दिन अकेले डिनर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बाजू वाले टेबल पे एक पर्सन इनकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहा है। अकेला व्यक्ति खाना खाने के वक्त उसको कोई देख रहा हो तो ये थोड़ा ऑकवर्ड सा फील कर रहे थे। फिर ये व्यक्ति उठ के इनके पास आया और उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, आर यू कैप्टन चार्ली प्लंब? ही सेड यस आई एम। ही सेड आप वही हैं जो वियतनाम वॉर में सारे मिशंस फ्लाई करते थे, 74 सक्सेसफुल मिशंस आपने फ्लाई किए, 75th मिशन पर आपका प्लेन शॉट डाउन हुआ और आपका पैराशूट खुला, आप एनिमी टेरिटरी में रहे, प्रिजनर ऑफ वॉर रहे, कि था आपको ये सब कुछ कैसे पता? तो सर मैं आपको अच्छे से जानता हूं पर आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं। मैं वो सेलर हूं जो आपके हर फ्लाइट से पहले आपका पैराशूट पैक किया करता था। लगता है वो 75th मिशन पर पैराशूट सही से खोला, आप जिंदा हैं। तो ये बातचीत इन दोनों में हुई। कैप्टन चार्ली प्लंब उस समय बयान करते हैं कि ही वॉज सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर दिस मैन। इनमें इतनी ज्यादा उस समय शुक्रगुजारी की फीलिंग जो थी इस व्यक्ति के लिए, और साथ साथ में थोड़ा रिग्रेट भी था। थोड़ा इनको ये भी महसूस हो रहा था कि इस सेलर को मैं शिप पर न जाने हजारों बाद मिला होऊंगा, पर मैंने इसको कभी हेलो तक नहीं बोला, मैंने कभी इसको एक्नॉलेज तक नहीं किया क्योंकि मैं कैप्टन था, ये सेलर था। बट इसका अपना काम सही करने से मेरी जान बची। दोस्तों जीवन के सफर में कितने लोग हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें आके बिहाइंड द सीन्स हमारी हेल्प करते हैं, ताकि जो पर्सन फ्रंट ऑफ द सीन जाके क्रेडिट ले रहा है या जिसको प्रशंसा मिल रही है वो पॉसिबल हो सके। इस कहानी में हमारे जो पैराशूट पैकर हैं वो भी उतने ही हीरो हैं, वो हीरो से कम नहीं है। जो हमारे फाइटर पायलट वो तो हीरो हैं ही, बट ये जो पैराशूट पैकर हैं ये भी हीरो हैं, क्योंकि अगर ये अपना किया गया काम सही ढंग से ना कर रहे हों तो फिर हमारा जो हीरो है यानी हमारा जो फाइटर पायलट है उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। कई बार ऐसे होता है दोस्तों जीवन की भाग दौड़ में कि जो लोग सीन्स के बिहाइंड पीछे काम कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट दूर की बात है, कई बार एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलती। अक्सर लोग किसी बिजनेस के, किसी मूवमेंट के, किसी संस्था के, कुछ लोग जो फोरफ्रंट में होते हैं उनके चेहरे को ही सारा क्रेडिट मिलता है और लोगों में भी शायद ये एक फीलिंग आ जाती है कि शायद इस ये पर्सन अकेला ही सब कुछ कर रहा है, जबकि आपको पता है, मुझे पता है सच्चाई क्या है। न जाने कितने हजारों लोग ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में पैराशूट पैकर्स की तरह हमारे जीवन में आते हैं, चुपचाप अपना काम करके चले जाते हैं और उनका अपना काम अच्छे से करने पर निर्भर है हमारी संस्था, हमारा बिजनेस, हमारी मूवमेंट, जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छे से चल रही हो और उसका जो लीडर है वो अपना सर गर्व से ऊंचा करके बिना किसी टेंशन से जी सकता है। दोस्तों मेरा मानना है हर लीडर को, हर हीरो को, हर ऐसे चेहरे को कुछ ना कुछ वक्त निकालना चाहिए कि वो अपनी कंपनी के, अपने संस्था के पैराशूट पैकर्स को एक्नॉलेज कर सके, उनको थैंक्स कर सके, उनको रिकग्निशन दे सके, अप्रिसिएशन दे सके, जिनका काम शायद कभी नोटिस भी नहीं होता और कई बार या अक्सर फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता। हमें यह समझना है कि यह भी एक इंसानी जरूरत है, पैराशूट पैकर्स भी इंसान हैं और अप्रिसिएशन मिलने से उनका काम और अच्छे से होगा, उनका अपने काम के प्रति लगाव और बढ़ेगा और इससे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी फ्लरिश करेगा। दोस्तों 12 साल के अपने लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से
ये चीज मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर लीडर्स संस्थाओं के थोड़ा सा वक्त निकालें पैराशूट पैकर्स को एक्नॉलेज करने में, तो वो टीम, वो ऑर्गेनाइजेशन काफी फ्लरिश करेगी। फेमस ऑथर ने लिखा है, जीनियस कंसीव्स ऑफ वर्क एंड आइडियाज एंड लेबर कंप्लीट्स देम। जीनियस कंसीव्स ऑफ वर्क एंड ऑफ आइडियाज एंड ऑफ ग्रैंड प्रोजेक्ट्स एंड इट इज लेबर दैट कंप्लीट्स देम। यानी ऑथर कह रहे हैं कि दिमाग वाले लोग, आइडियाज वाले लोग, जिनको ऑथर ने जीनियस कहा है, वो बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में, इंजीनियरिंग मार्वल्स के बारे में, उनके बारे में सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं और लेबर उन्हें कंप्लीट करते हैं। यानी हमारे पैराशूट पैकर्स उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। आप किसी घर की रेनोवेशन को ही ले लीजिए, घर में भी रेनोवेशन के 3D प्रिंट्स बनते हैं, डिजाइंस बनते हैं, कितना कुछ होता है, इंटीरियर डिजाइनर्स आते हैं, बट दीज पीपल आर द ओनली, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर क्रिएटिंग द डिजाइंस, कौन सी पेंट पे कौन सी दीवार पे कौन सा पेंट लगने वाला है, कहाँ कौन सी चीज जाने वाली है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग प्रोसेस। इनको डिजाइन करते हैं हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे इंटीरियर डिजाइनर्स एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के, पर लेबर इन्हें कंप्लीट करती है। सो इस पूरी चीज में बैलेंस रखने के लिए और हमारे टीम की इमोशनल हेल्थ और उनकी मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ये जो गेम है कोऑपरेशन और पार्टनरशिप की, कि इनमें उन लोगों को कोऑपरेशन और पार्टनरशिप को फ्लरिश करने के लिए उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको प्रशंसा मिले, उनकी एक्नॉलेजमेंट हो। हमारी कामयाबी डे बाय डे इन लोगों के ऊपर निर्भर है और जहां कोऑपरेशन और पार्टनरशिप में रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन आती है तो ये और मजबूत हो जाती है। क्योंकि जब किसी को रिकॉग्निशन की कमी महसूस होती है, देन अ बेसिक ह्यूमन फैक्टर इज मिसिंग एंड देयर मोटिवेशन गोज डाउन। मदर टेरेसा सेड इट ब्यूटीफुली, शी सेड वी ऑल गो टू बेड हंग्री एट नाइट। वी ऑल गो टू बेड हंग्री एट नाइट, हंग्री नॉट फॉर फूड, भूख खाने की नहीं, hungry for the lack of appreciation, for the lack of recognition. So take out, if you're a leader of an organization, agar aap kisi sanstha ke leader hain, kisi business ke leader hain, kisi club ke leader hain, take out some time to identify, acknowledge and appreciate the parachute packers of your teams and learn to say thank you to them because they deserve it. Thank you for watching this video.